दिख रहा है कुछ? यस सर। दिख रहा है? यस सर। एक आदमी क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। कर रहा है ना? यस सर। किससे कर रहा है? असफल लोग अमीर बनना चाहते हैं, उनके अंदर सिर्फ चाहत है बनने की, वो सिर्फ बनना चाहते हैं। वो सोचते अचानक से कुछ हो जाए, अचानक से मेरे हाथ में कुछ लॉटरी लग जाए, बस मैं बैठे बैठे अमीर बनूं। घर में सोचा है, मैंने सेल्स शॉप ज्वाइन कर लिया, वो सोच रहा है बैठे बैठे मेरी जिंदगी में अमीरी आ जाए बिना कुछ के। असफल लोग अमीर बनना चाहते हैं, अनलेस नथिंग विल वर्क अनलेस यू डू, कुछ भी काम नहीं करेगा जब तक आप कुछ नहीं करोगे। समझ आ गया? अलग मैंने एक वीडियो भी बनाई, एक अलादीन का चिराग, कितने लोगों ने सुना उसके बारे में? अलादीन के चिराग के बारे में कितने लोगों ने सुना है? नहीं सुना है? हम तो खूब देखते थे अलिफ लैला, उसमें आता था अलादीन का चिराग। एक चिराग होता था, उसके अंदर से क्या निकलता था? जिन निकलता था, जो बोलता था क्या हुकुम है मेरे आका। और जब वो हुकुम बोलता था तो आका बोलता था मुझे सोना चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। तो जो जिन था वो अपने मालिक के लिए, अपने आका के लिए सब चीज करता था। लेकिन वो जिन भी तब बाहर निकलता था जब उस चिराग को घिसा जाता था। और आप लोग तो भाई उस जगह से हो जहां पे पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, और आप लोगों ने उस पानी की समस्या के लिए अपने घर के सामने एक एक कुआं खोद रखा है ना? कुआं कितनों के यहाँ पे कुआं है? गांव में तो होगा ना, घर के सामने नहीं होगा, गांव में तो देखा है ना कुआं। अब कुएं का पानी कब बाहर आता है? ऐसे ऐसे इंतजार करने से, हे जल देवता बाहर निकल मेरी बाल्टी भर, ऐसा निकलता क्या? जल देवता आएंगे आराम से, ऐसा पानी आपकी बाल्टी में चला जाएगा, ऐसा होता है कभी? जल देवता कब बाहर आते हैं? जब आप बाल्टी अंदर डालते हैं, जब आप बाल्टी डालने के बाद ही उस रस्सी को खींचते हैं। तो वही चीज है, सफलता तो आप सब लोगों को मिलनी मिलनी है, ये तय है। जब आपकी जिंदगी में इस सेल्फ शॉप नाम की कंपनी ने दस्तक दे दी तो आपका अमीर बनना तो तय है, बस तारीख बाकी। अमीर बनना तय, क्योंकि आज तक का इतिहास है, आज तक का इतिहास है। इस कंपनी का हाथ जिन जिन लोगों ने थामा वो सब के सब करोड़पति से करोड़पति बने, सब के सब। इतनी ताकत है इस कंपनी के अंदर, पिछले 23 साल से कंपनी मार्केट में तहलका मचाए हुए। बहुत सारे आप जैसे मेरे जैसे पता नहीं लाखों लोगों की जिंदगियों में जो पैसों का हसीन सपना है, वो सपना इसी कंपनी ने पूरा किया है। मुझे पता है आप बनोगे। ये वो कुआं है जहां से आपको सब चीज निकलेगा, ये वो समंदर है जहां से आपको सारी चीजें मिलेंगी, बस जरूरत है वो बाल्टी डालने की और उसके बाद उस बाल्टी को खींचने की, वो प्रयास करने की। क्योंकि बिना किए कुछ भी नहीं मिलता है। मिलता है क्या? मिलता है। अभी कल जब आप लोग आए, हम भी खाना खा रहे थे आप लोगों के साथ में, तो मैंने देखा लोगों को काफी भूख लगी थी, भूखे प्यासे थे, दूर से आए थे, उन्होंने खूब थाली भर भर के खाना लाया, मैं देख रहा था। तो थाली भर के आपने खाना लाया, फिर ऐसे बैठना था, थाली क्या है, ऐसे बैठो थाली क्या है, हे अनदेवता मेरे मुंह में चला जाए, जाएगा क्या? फिर आप लोग गपा गप ये बोर बनाया, किया नहीं किया? जब भूख ज्यादा होती है फिर चबाता भी कम है आदमी, गलत कह रहा हूं क्या? जब जब भूख ज्यादा लगती है तब तब हम खाना कम चबाते हैं, सीधा मुंह के अंदर पेट में, मुंह में गया सीधा, होता नहीं होता, सीधा अंदर, फिर चाहे मिर्च हो सारा पत्थर आए, अरे पत्थर का पता तो तब चलेगा तब चबाओगे, मुंह में डालने से पता ही नहीं पत्थर था भी या नहीं था, सही है अंदर, सीधा अंदर। तो वही चीज है कि जब भूख लगी होती है ना तो आदमी कुछ भी कर सकता है। तो वही चीज है, जब सफलता की भूख अगर आपके अंदर है तो फिर आप कुछ भी कर जाओगे,
फिर आप कहीं भी चले जाओगे, फिर कोई भी बैरियर, कोई भी रुकावट आपका रास्ता नहीं रोक सकती। बस जिसके सपने बड़े हैं, जिसके लक्ष्य बड़े हैं, उस आदमी का कोई भी रास्ता रुकावट बन ही नहीं सकता। समझ आए? क्या झारखंड, क्या छत्तीसगढ़, क्या उड़ीसा, क्या आसाम, क्या बंगाल, कहीं भी हिंदुस्तान के कोने में जाके आप अपना झंडा, अपना परचम लहरा सकते हैं। क्लियर है? तो सफल होना है ना?